इलाहाबाद खंडपीठ के गेट नंबर 3 पर। जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि आज उच्चतम न्यायालय में बीएड वर्सेस बीएस बीटीसी के मामले में, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा से उनके रिजल्ट पर प्रतीक मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी नाम से एक याचिका दर्ज की गई थी बीटीसी के गैंग के द्वारा, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए सभी लोग प्रयासरत थे। बीटीसी का एक पूरा खेमा प्रयासरत था और वो चाहता था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। उस केस की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच में सुना जाना था। उस केस की पैरवी करवाने के लिए हम लोग प्रेजेंट टाइम में लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और हर प्रकार से हमारा प्रयास था कि सरकार को और बीएड के मजबूत पैरवीकारों को इस कोर्ट केस में लाया जाए, ताकि आप देखिए वाइफ जा रही है खूब ठीक ठाक आ रही है, इस केस की पैरवी करवाई जाए। उसी संदर्भ में साथियों, आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करवाने के लिए सुबह से ही लगातार 10 बजे से हम लोग प्रयासरत थे और 11 बजे सबसे पहले हमारा केस प्रेस लिस्ट में कोर्ट नंबर 32 में 11 बजे का ही वो समय था जब 2-3 मिनट हमारे जस्टिस सिद्धार्थ जी ने इस केस को सुना और उसमें उन्होंने बीएड की चीजों को भी सुना और बीटीसी को मौका नहीं दिया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने लर्न काउंसिल रिस्पोंडेंट यानी कि हमारे वकील को सुनने का मौका दिया और उसके बाद जब बीटीसी की तानिया पांडे जी भी बोलने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बीएड की पैरवीकार के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि एनसीटी का इस मामले पर क्या रुख है। एनसीटी को लेकर के साथियों, मैं आपको गुप्त रूप से बताऊं कि हम लोग लगातार ये प्रयासरत थे कि एनसीटी के वकील आकर के इसी सुनवाई में आकर के अपने पक्ष को क्लियर करें ताकि बीएड के छात्र इस केस में बने रहें। उसके लिए हमने अधिवक्ता कौशल जी की मदद से उनसे कल शाम से ही हम लोग लगातार संपर्क में थे और अधिवक्ता कौशल ओझा जी के साथ मिल करके उनके आवास पर जाकर के बीएड के छात्रों के हितों में पैरवी करवाने के लिए साथियों उनसे अनुरोध किया था। हमारा ये प्रयास था कि सबसे पहले हमारा जो सबसे मजबूत पक्ष है एनसीटी, जिसने 28/6/2018 के गजट में बीएड के लाखों छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा में पात्र माना था, उन्हें इस केस में लाया जाए ताकि इस केस को हम बिल्कुल जीत पाए। उसी केस की करवाने के लिए ये हमारी पहली रणनीति थी जिसे हम लगातार गुप्त रखे थे और कल रात में ही हमने कौशल ओझा जी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनसे संपर्क साधा। हमारे सीएससी जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं एनसीटी के, जो सरकार के एनसीटी के पक्षकर्ता हैं हमारे केस में, हमारा ये मानना था कि जब तक एनसीटी हमारे साथ इसमें नहीं आती है तब तक हम लोग थोड़ा सा कमजोर जरूर है। एनसीटी के साथ आ जाने से और हर प्रकार की पैरवी करवा देने से, उसकी बढ़िया से ड्राफ्टिंग करवा करके, वकीलों को खड़ा करवा करके, बीएड के पक्ष में आज टोटल 4 वकील उत्तर प्रदेश की इस कोर्ट में खड़े थे। बीटीसी की तानिया पांडे जो उनकी अधिवक्ता थी, उनके बारे में मैं बता दूं साथियों, लंच के बाद 2 बजे से 4 बजे तक वो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि आज इस केस पे वो लेकर के इस स्टे को हमेशा के लिए बीएड के साथियों को स्टे पर ले लें। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी रणनीति ये नाकामयाब रही। वो चाहते थे कि जो इस केस पे अभी तक थोड़ा सा स्टे लगा है, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक स्टे लगा है, उनका ये प्रयास था कि इस केस में हमें लगातार यानी कि फुल स्टे मिल जाए ताकि बीएड के छात्र यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग ना ले पाए और उनके यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाए ताकि वो सुपर टेट से ना प्राप्त हो पाए। ये बात सही है कि स्टेट काउंसिल और सरकार की एनसीटी के लिए जो हम लोगों ने गुप्त योजना बनाई वो आज कारगर होती दिखी। सीएससी की तरफ से धनंजय अवस्थी जी, जिनका मैंने फोटो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, साझा किया है, आपने देखा कि वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, और अग्निहोत्री जी जो साथी भानु यादव और साथियों के द्वारा और सभी लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, आज बीएड की एकता कोर्ट में देखने को मिली। साथियों, मैं 10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से अभी कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ये साथी ये सब हमारे गवाह हैं, 5 बजे तक ये सभी साथी जो बीएड यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के
सभी साथी जो थे ये सुबह शाम 5 बजे तक हमारा वेट करते रहे, क्योंकि कोर्ट में सबको परमिशन नहीं है जाने की, यानी कि सिर्फ एक आदमी ही कोर्ट में जा सकता है, और ये परमिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। कोरोना के बाद से नए गाइडलाइंस आ गए हैं, तो मैं अकेला लगातार सेकंड फ्लोर पर कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ के बेंच में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार खड़ा रहा, क्योंकि हमारा मानना है कि बीएड के लिए संघर्ष करके लड़ाइयों से ही ये केस हम जीत सकते हैं। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है साथियों कि बीएड के छात्रों को, जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके निगेटिव कमेंट से हमें लाभ मिलता है, हमें संबल मिलता है। आपने हमारे लिए इतना निगेटिव कमेंट किया तब हम आगे आकर के इस केस को लड़ रहे हैं। आप इतना निगेटिव और भी कमेंट करते रहिए, हम और भी लड़ेंगे, क्योंकि आपके मुंह पर तमाचे नहीं रुकेंगे, नहीं बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे सभी साथी इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और जीत के रहेंगे इसको, इस केस को, और हम जीत पर जीत कर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है साथियों। आज जिस प्रकार से एक मिनट रुक जाइएगा, आज जिस प्रकार से हम लोगों ने इस केस की पैरवी के लिए चार चार वकील जो बीएड के पक्ष में खड़े होकर के अधिवक्ताओं का एक पैनल खड़ा था कि हम इस केस की सुनवाई करवा करके सबसे पहले स्टे वैकेंट कराएं, उसमें हमें सफलता ये भी मिली कि हमारे साथ एनसीटी और स्टेट काउंसिल आकर के खड़ा हो गया। और इसके लिए हम लोगों ने कौशल ओझा जो अधिवक्ता है इलाहाबाद में, उनकी मदद से धनंजय अवस्थी जी के आवास पर लोगों को भेज करके मुलाकात करके उनसे संपर्क साध करके हमने ये प्रयास किया था कि उनसे बातचीत हम लोगों की हो जाए, उनको साथ लाया जाए साथियों, और उनको साथ ला करके इस केस में सबसे पहले जो सरकार का मजबूत पक्ष है जिसमें वो बीएड को बचाने के लिए पैरवी करवानी पड़ेगी, चाहे जो भी करवाना पड़ेगा, वो साथ आ जाएंगे, तो इस केस को हम जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। और जो बीटीसी के लोग बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाहको से बाहर करने का सपना देख रहे हैं साथियों, उनके मुंह पर तमाचा लगेगा। आज सीएससी धनंजय अवस्थी लास्ट तक 4:09 तक कोर्ट चला है, मैं 4:09 तक साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट में उच्चतम न्यायालय में कोर्ट नंबर 3 में मौजूद था, और वहां पर तब तक सीएससी धनंजय अवस्थी जी ने हमारे केस के लिए वो खड़े रहे जब तक 54 के केस की सुनवाई नहीं हो गई। और एक चीज जो हमें ये उन्होंने बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पैरवी में आज बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार से पैरवी करवाने के लिए, और इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी जो इस वक्त वर्तमान में देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नाम से चल रहा है उसमें करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, और उसमें यह सफलता मिली कि स्टेट काउंसिल और एनसीटी हमारे साथ आकर के अपनी इंप्लीमेंट को फाइल करके अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनाए रखने के लिए सरकार खड़ी है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने साथ आकर के उन लोगों से मुलाकात करके चीजों को वो किया, पहली चीज। और दूसरी चीज ये हमारी सफलता रही कि तानिया पांडे जो बीटीसी की वकील है, बीटीसी के लोगों का ये मानना था कि वो आज इस केस पर फुल स्टे लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि बीएड के जितने भी लोग हैं उनके केस पर फुल स्टे लग जाए, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि हमें इस पर फुल स्टे नहीं लगना है। आज 16 का दिनांक था साथियों, और आज तक टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग, क्या एक बार आप कमेंट करके बताइए, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि वॉइस नहीं जा रही है, बहुत पसीना, गर्मी बहुत है, का ये मानना है कि उन्हें वो चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दे, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज सबसे पहले ये 11 बजे इस केस को सुना गया, और उसके बाद इस केस को रिवाइज्ड में डाला गया, यानी कि जब तानिया पांडे की जी की बारी आई तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले एनसीटी आज इस केस में प्रेजेंट हुई है, तो हम उसके इंप्लीमेंट को सुनेंगे, उनकी चीजों को सुनेंगे, इसलिए उसने इस केस को रिवाइज में लगा दिया। और 2 बजे साथियों इस केस को लंच हो गया, तभी मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, मैंने सारी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल से जो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे आप लोगों को देता रहा कि इस वक्त कब कोर्ट में क्या कुछ हुआ। और 3 बजे लगभग जज साहब फिर से बैठे हैं इस केस में, और 2:30 के लगभग जज साहब इस केस में बैठे, और 2:30 से लगातार इस केस की सुनवाई होती रही। तानिया पांडे का आज ये रुख था कि इस केस पर फुल स्टे, यानी कि हमेशा के लिए स्टे लगवा दिया जाए, लेकिन हम लोगों की रणनीति जो लगातार हम लोग जिसके लिए प्रयासरत थे लड़ने के लिए सभी साथी आगे आए। आज हमारे वकीलों द्वारा ये बताया गया है कि इस केस पर जो स्टे आर्डर लगा था वो 16 की सुनवाई तक लगा था, उम्मीद है कि इस स्टे आर्डर को हम जल्द ही क्लियर करवा लेंगे, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कल इस केस में फिर से सुनवाई हुई है। आप सब साथियों से अनुरोध है, कल ये केस फिर से लगा है सप्लीमेंट्री स्पेस लिफ्ट में, और उसकी सूची आज रात को हमें हमारे अधिवक्ता पैनल तक पहुंचा दी जाएगी। जो भी साथी इस केस में जो पीड़ित हैं, यूपी टेट पास हैं और बीएड अभ्यर्थी हैं, वो इस केस में अगर याची बनना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने सहयोग का माध्यम रखा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ करके इस केस में अपने आर्थिक सहयोग को प्रदान करके लड़ाई की लड़वाते रहिए। हम आपकी मजबूत पैरवी अपनी पूरी लीगल टीम के साथ तब तक करेंगे जब तक लड़ेंगे जीतेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे, जब हमारे साथी कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज जिस प्रकार से बीएड के लोग, अवस्थी जी और भी अधिवक्ताओं का पूरा पैनल इस कोर्ट रूम में मौजूद था, हमें उम्मीद है कि हम इस केस को जीतेंगे, और कल के केस में ये सप्लीमेंट्री फिफ्थ केस में लिस्ट हुआ है, कल भी बीएड बीटीसी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करना है और इस केस को डिसमिस करवाना है और स्टे के आर्डर को हटवाना है। एनसीटी हमारे साथ आकर के खड़ी हो गई है, स्टेट काउंसिल हमारे साथ आकर के खड़ी हो गई है, आप भी साथी, आप भी
आप सभी साथी आर्थिक सहयोग के माध्यम से हमें संबल प्रदान करते रहे और हमारा सहयोग करते रहे। आप सबके बीच आप सभी इस लाइव माध्यम से जुड़े, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। लगातार सुबह 10 बजे से ही कोर्ट में खड़ा रहा और वहाँ पर इतने अधिवक्ता हजारों की संख्या में रहते हैं, कोई बैठने बैठने की जगह भी नहीं थी। फिर से आपसे लाइव के माध्यम से जुड़ करके आज का जो अपडेट था उच्चतम न्यायालय के इलाहाबाद की कोर्ट नंबर 3 पर, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से मुझे लगा कि आप लोगों को तुरंत अपडेट दे दिया जाए। सभी वकीलों से मिल करके उनके पेमेंट की भी प्रक्रिया हमने पूर्ण की है और भी हम धीरे धीरे इसको पूर्ण करते रहेंगे जैसे जैसे आर्थिक सहयोग आता रहेगा। ये तब तक हमें आर्थिक सहयोग की कमी पड़ रही है, उसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जिस प्रकार से आज हमने उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है, वो ये चाहते थे कि एलसीटी और भी किसी भी तरीके से बीएड के आर्डर पर जो प्रतीक मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी उस पर फुल टाइम स्टे लग जाए, उस मंसूबे पर पानी फेर करके इस केस को डिसमिस करवाएंगे और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप सभी लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थक गया हूँ, बहुत कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं थोड़े कमेंट्स लूंगा, उसके बाद इस लाइव सेशन को बंद करूंगा। इस जानकारी